इस देश की जान ना, इस देश की लेडीज हैं। बात कुछ अलग सी है इनकी। जितनी कोमल ये लागे हैं ना, उससे कहीं ज्यादा ताकत इनके बाजुओं में। हम मर्द माने या ना माने, पर सच यही है। उत्तर प्रदेश के मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में रुस्तम में जामा दारा सिंह कुश्ती स्टेडियम है। इसी स्टेडियम में कुश्ती सीखने वाली अलका तोमर ने मेरठ को विश्व स्तर पहचान दिलाई। वर्ष 2006 में अलका ने 39 साल बाद पहला कांस्य पदक जीता तो मेरठ की गांव की लड़कियों में कुश्ती सीखने का जुनून पैदा हुआ। इस स्टेडियम में मेरठ जिले के आसपास के गांव की सैकड़ों लड़कियां प्रतिदिन आती हैं। यहां पर मेरठ के अलावा महाराष्ट्र, राजस्थान जैसे राज्यों से भी लड़कियां कमरे लेकर रहती और कुश्ती सीखती हैं। मेरे पास में जो लड़कियां जो प्रैक्टिस करती हैं, मतलब दूर दूर की आती हैं, महाराष्ट्र की भी हैं, राजस्थान की भी हैं, और आपके जो है भाई मुजफ्फरनगर जिले के, बागपत जिले के, तो दूर दूर से भी बच्चे यहाँ जो है प्रैक्टिस करने आती हैं, यहाँ पर जो है कमरे ले लेकर रहती हैं। अंशु को वर्ष 2015 में जिले स्तर पर गोल्ड मेडल और नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल मिला। अंशु की तरह इस समय चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के रूस्तर में जामा दारा सिंह कुश्ती स्टेडियम में 25 लड़कियां और 30 लड़के प्रतिदिन पहलवानी सीखने आते हैं। यहाँ पे जो लोकल जो है वे लड़कियां गांव से आती हैं, गांव से संबंधित है। जो बहुत सी लड़कियां ऐसी है जो बेचारी 5 किलोमीटर पहले सुबह 4 बजे निकल कर घर से दौड़ती हुई सड़क तक आती हैं, सड़क से फिर जो है टेम्पो पकड़ कर तब यूनिवर्सिटी में 5 बजे आ जाती हैं, जो प्रैक्टिस करती हैं। अलका तोमर भी उन्हीं में से एक थी जिसने जो है भाई गांव से ही जो है आती थी। जब उस समय तो बेचारी अकेली आती थी, उसके बाद जो है फिर अगले एक साल बाद जो थी फिर एक उसकी सहेली और दूसरी आ गई थी बबीता तोमर, तो 2 ही लड़की आती थी। समय के साथ गांव के लोगों की सोच में परिवर्तन हो रहा है। लड़कियों को पहलवानी जैसे शौक को पूरा करने के लिए अब ये लोग सहयोग कर रहे हैं।